रसूलुल्लाह सल्लम के पास पहुंचा तो आप सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। उसने पूछा, तुम में से अब्दुल मुत्तलिब का बेटा कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। उसने फिर पूछा कि मुहम्मद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ। उसने कहा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और उसमें सख्ती भी होगी, आप मुझ पर नाराज़ ना हो। आपने फरमाया, ला अजिदु फी नफ्सी फसल अम्मा बदालक, मैं तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा, जो चाहो पूछो, जो चाहो पूछो। उसने कहा, आपको आपके इलाह, आपसे पहले लोगों के इलाह और आपके बाद आने वाले लोगों के इलाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है? अल्लाह की कसम उठाई उसने, आपसे पहले लोगों की, आपके बाद के लोगों की, इलाह की कसम, वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं, आपको मबूस किया हमारी तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा नअम, फरमाया बिल्कुल भेजा, मबूस किया। उसने कहा, मैं आपको आपके इलाह, आपके लोगों के इलाह, आपके बाद आने वाले लोगों के इलाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया कि आप हमें हुक्म दें कि हम सिर्फ़ एक रब की इबादत करें? कसमें देकर पूछता है और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए और उन बुतों से अलग हो जाएं जिनको हमारे आबाओ अजदाद पूजते थे, उनसे अलग हो जाएं। कसमें देकर पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, जी हाँ, ऐसे ही। उसने कहा, मैं आपको आपके इलाह, आपसे पहले लोगों के इलाह, आपके बाद वाले लोगों के इलाह की कसम देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि हम पांच नमाज़ें पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, बिल्कुल दिए। अब इस उम्मत की अक्सरियत इस हदीस के तहत पहले फ़िक्रे पर ही कसम पर फेल है कि जिनको आबाओ अजदाद पूजते थे आज भी उनकी नस्लें इसलिए मकबरों पर सजदा करती हैं कि अब्बा जी ऐसे करते आज भी। दूसरे में अक्सर मुसलमान फेल हैं, पांच नमाज़ें, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, बड़ी मुश्किल से कुछ लोग पांच नमाज़ें बाजमात मस्जिद में अदा करते। पूछे, नमाज, नमाज में सुस्ती करती है बेटी, पढ़ती नहीं है, बस सीधी सीधी सी बात। फिर दमाम बिन सालबा एक एक फरीदा इस्लाम का जिक्र करते रहे, नमाज, रोदा, ज़कात, हज, सब का, और हर फरीदे पर तीन कस्में देते रहे अल्लाह की, अल्लाह ताला की तीनों कस्में। सवाल जवाब से फारिग हुए, अब क्या कहते हैं सुनकर? यकीनन मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। और जिन फराइज पर मैंने आपको कसम देकर पूछा है सारे फराइज अदा करूँगा, पांचों नमाज़ें पढ़ूँगा, रकम निसाब को पहुँचेगी 52 तोले चांदी तो ज़कात दे दूँगा 52.5 तोले, इस्तेआत होगी तो हज करूंगा, रमज़ान के रोज़े रखूंगा और उन चीज़ों से इज्तिनाब करूंगा जिनसे आप मुझे मना करेंगे,
वो भी मैं छोड़ दूँ। ये है इस्लाम, ये है मुसलमान की कैफियत। फिर उसने कहा ला अजीदु अला हादा शैयन वला अनकुसु मिन, इस इस्लाम में ना कोई ज्यादती करूँगा, इजाफा करूँगा, ना कोई कमी करूँगा। अच्छा ठीक है हदीस, लेकिन चलो अब बरादरी का मसला है ना, हर जगह अपना इस्लाम ना लाया करें, होता है ना मरने जीने के ऊपर। अभी मोहम्मद बेटे का चचा सुसर फोत हुआ है, कल हम उधर गए हुए थे, आप हैरान होंगे कि मैयत मौजूद थी और मखड्डी हलवा तकसीम हो रहा था सब के अंदर, औरतों मर्दों में। क्यों, शादी है मरने वाले की, मखड्डी हलवा शादियों पे खाते हैं लोग। वहाँ पूछा मेरी अहलिया ने कि ये क्या चीज़ है, कहा ये पुरानी औरतों का हमारा रिवाज है कि मरने के फौरन बाद आने वालों को मखड्डी हलवा खिलाओ। सुभानअल्लाह, ये है हिंदुओं की रस्में जो आज मुसलमानों में मौजूद है। एक बंदा मर गया जवान जहान 35 साल, दो छोटे छोटे उसके मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे, एक बेटा एक बेटी, आने वाले हलवे खा रहे हैं और डिशों में पेश किए जा रहे हैं। ये है हिंदुओं के घर, ये मुसलमानों के घर थोड़ा है। फिर वो अपनी सवारी की तरफ, क्योंकि वो कासिद बनकर आया था बनू साद बिन बकर की तरफ से, अपनी सवारी पर सवार हुआ और चल पड़ा अपने इलाके की तरफ पैगाम देकर। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ना नमाज पढ़ते देखा, ना रोज़ा रखते देखा, उसने कसम उठाकर अल्लाह की कह दी है, अब यही इस्लाम है। 6 सदियों के बाद कोई इमाम हनीफा रहिमुल्लाह की कोई फिका हनफी उठा के शामिल नहीं करूँ, बस जो आपसे सीखा है ना वही करूँ। आप क्या फरमाते हैं, यस्दुक जुल अकीसतैनि यदखुलिल जन्ना, अगर इस दो मेंढियों वाले ने सच कहा तो जन्नत में चला जाएगा। जन्नत में जाने की गारंटी क्या हुई, वो इस्लाम जो मक्का वाला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो आपने सहाबा को पढ़ाया, उस इस्लाम की कसम देकर एक बंदे ने कहा, बालों की उसकी मेंढियाँ बनी हुई थी, आपने फरमाया दो मेंढियों वाले ने अगर सच कहा है ना तो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर वो अपने ऊँट के पास आया, उसे खोला और चला गया। जब अपनी कौम के पास पहुँचा तो सारी कौम जमा हो गई, कासिद आ गया। उसने सबसे पहले अपनी कौम से कहा, बुरा हो लात का भी और उज्जा का भी। लोग कहने लगे ऐसे ना कहे बाबे हमारे, ऐसे मत कहो। देखो मिनट में इस्लाम आया तो बुतों से कैसे नफरत हुई, कह लेंगे बुरी बुरा हो इनका लात का भी और उज्जा का भी। अब कबीलों ने कहा ना नहीं ऐसे ना करें जी, बड़ी गुस्ताखी हो, जैसे हम कह देते ना ये बाबा कुछ नहीं कर सकता, कह देखो जी कितने गुस्ताख, वो सैयद तो पता नहीं क्या कुछ कर लेता। और जमाम को कहने लगे कि बर्स और जज़ाम की कोड़ की बीमारी से डर, बाबा बर्स लगा देगा, लात और उज्जा तुझे बीमार कर देंगे। ऐसे ही ये इनके मुरीद कहते हैं, और कहा डर जा तू पागल हो जाएगा, ये बाबे तुझे पागल कर देंगे, बड़े जालिम हैं ये, इनके बारे में कुछ कहो तो ये बस वहीं से रस्सी खींच देते हैं। उसने कहा अफसोस है तुम पर, लात ना उज्जा ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान कर सकते, हकीकती साफ। अल्लाह ने पैगंबर भेजा, उस पर किताब नादिल की, उसके ज़रिए से तुम्हें इस हालत से बचा लिया है जिसमें तुम हो। मैं तो गवाही देता हूँ अल्लाह अकेला है, वही बरहक महबूद बरहक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं उनके पास से तुम्हारे लिए वो लाया हूँ जिनका उसने तुम्हें हुक्म दिया और जिनसे तुम्हें मना किया। एक ही लेक्चर दिया ना रसूलुल्लाह सल्लम ने, और वही लेक्चर तौहीद का और अरकान इस्लाम का लेकर अपनी कौम के पास। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम उस दिन की शाम से पहले पहले जो भी मर्द और औरतें वहाँ थी सब की सब मुसलमानों में, सब मुसलमानों में, हमने जमाम बिन सालबा से कोई अफजल कासिद कौम में नहीं पाया कि एक औरत भी पीछे ना रही मुशरिका और ना मंदा रहा
मुशरिक। लात और उज्जा से उसे डरा रहे थे, जो ही तौहीद की पैगाम दी रब ने सीना खोल दिया, सब मुसलमान हो गए। लात भी फारिग, उज्जा भी फारिग। इमाम अहमद इस हदीस को लेकर आए हैं 2380। अल्लाह करीम हम सब को खालिस तौहीद और अरकान इस्लाम पर अमल करने की तौफीक। वाखिर दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह।